हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे में डिस्कस करबा कंप्यूटर रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ कि आपण कर ओडिशा पुलिस कांस्टेबल ओ ट्रिपल सी पीओ सीजीएल ओ टीईटी सीएचटी तथा समस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम पई या हेल्पफुल रहइबो। तो सेति पई वीडियो टी को स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखंतु। आ चैनल को फर्स्ट टाइम पई विजिट करथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। आ एहा पूर्व रु आमे ओडिशा पुलिस पई अनेक क्लास कर सरछु, तो जदि आपण माने देखी नहांती तबे निश्चय देखी नेबे। आउ एहार पीडीएफ टी आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रु डाउनलोड कर परबे। ओके, तो चालंतु स्टार्ट करबा। ए कंप्यूटर सिस्टम इनक्लूड डेस्क, तबे कंप्यूटर सिस्टम रे कोन कोन सब थाए? तो कंप्यूटर रे जहाँ कि हार्डवेयर थाए, सॉफ्टवेयर मध्य थाए एवं पेरिफेरल डिवाइस मध्य थाए। तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होइबो ऑल ऑफ दिस। तो ए सब समस्त कंप्यूटर सिस्टम रे रही थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय डेस। तेबे एनालिटिकल इंजन हेउछि फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, तो यह को किए डेवलप करथिले? तो यहार करेक्ट आंसर टी होइबो चार्ल्स बैबेज। तेबे चार्ल्स बैबेज जे कि एनालिटिकल इंजन रो डेवलपर, आउ चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर मध्य कहा जाए। ओके, आउ यहाँ सहित से डिफरेंस इंजन मध्य आविष्कार करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तेबे केउटा होची फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होइबो अबाक्स। तेबे अबाक्स होची फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, तो देखंतु अबाक्स वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्विकली। तो यही अबाकस माध्यम रे जहाँ कि एडिशन माने होचि जोगो एवं सब्सट्रैक्शन माने होचि वियोग, तो यही अबाक्स माध्यम रे जोगो वियोग क्विकली करा जाई परथिला। ओके, आउ एहा होचि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड फॉर डेस्क। तेबे कंप्यूटर रो फुल फॉर्म टी कोटा? तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होची कंप्यूटर रो फुल फॉर्म। तो यह सहित कंप्यूटर आउ गोटे फुल फॉर्म मध्य रही, तो मन रखंतु कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाक्स कैन परफॉर्म डेस्क। तेबे अबाक्स माध्यम रे कौन कौन परफॉर्म करा जाई परथिला बा क्यों क्यों काम होई परथिला? तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो बोथ ए एंड बी। तो अबाक्स माध्यम रे एडिशन एवं सब्सट्रैक्शन क्विकली करा जाई परथिला। ओके, किंतु मल्टीप्लिकेशन जहाँ कि अबाक्स माध्यम रे होई पारु नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन इज ए डेस्क। तबे पास्कलाइन गोटे कौन? तो यह हूँ गोटे एडिंग मशीन। तो पास्कलाइन हूँ गोटे एडिंग मशीन, आ यह को 1642 रे ब्लेस पास्कल डेवलप करथिले जहाँ कि पास्कल कैलकुलेटर बा पास्कलाइन कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तबे कहा को फादर ऑफ कंप्यूटर बोली कहा जाए? तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो चार्ल्स बैबेज। तबे चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोली कहा जाए, आउ मॉडर्न रखंतु आलन टूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोली कहा जाए। तबे आलन टूरिंग होचंती फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एवं चार्ल्स बैबेज होचंती फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज व्हिच मेमोरी यूनिट। तबे एनालिटिकल इंजन जहाँ कि फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर समय यहाँ इन्वेंट करा जाय थिला, तबे यहाँ इन्वेंट करथिले चार्ल्स बैबेज। तबे चार्ल्स बैबेज होचंती एनालिटिकल इंजन रो आविष्कारक। तबे एथिरे क्यों मेमोरी यूनिट यूज करा जाय थिला? तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होजबो काउंटर व्हील्स। तबे यहाँ मेमोरी यूनिट होची काउंटर व्हील्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन टेबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय डेस। तेज प्रथम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन हूँ टेबुलेटिंग मशीन, तेज यह किए आविष्कार करते, तो यार करेक्ट आंसर टी हो हरमान हलरिथ। तेज हरमान हलरिथ होती टेबुलेटिंग मशीन रो इन्वेंटर, आउ यह फास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो यार भी टिके मिस्टेक अच्छी, तो यह हो ENIAC ENIAC। तो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होची ENIAC, तेबे यह किए डिजाइन करते, तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी प्रॉस्पर इकर्ट एंड जॉन वे मैकली। तो प्रॉस्पर इकर्ट एवं जॉन डब्ल्यू मैकली जे कि ENIAC को डिजाइन करते, तेज ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो यह ENIAC अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तेज फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टी कौटा, तो यार करेक्ट आंसर टी हो ENIAC। तेज ENIAC होची फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तेज यही ENIAC रो फुल फॉर्म टी कौन, तो यही ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द फास्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ड्यूरिंग 1942 टू 1955। ओके, आउ यही ENIAC रो फुल फॉर्म टी कौन, तो मन रखत ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो ही ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आउ ENIAC रो फुल फॉर्म टी होची यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आउ यह होची फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेवलप बिफोर द फास्ट जनरेशन ऑफ फास्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डैश। तेज फास्ट जनरेशन कंप्यूटर पूर्व क्यों कंप्यूटर व्यवहार करा जाउथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी हो इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी इलेक्ट्रो मेकानिकल। तो इलेक्ट्रो मेकानिकल कंप्यूटर टी फास्ट जनरेशन पूर्व यूज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC एंड ENIAC वाज बेस्ड ऑन डैश। तेज फास्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC एवं ENIAC, तो ये दुईटी होची फास्ट जेनेसन कंप्यूटर, तेबे एथिरे केउ गुड़िक यूज होतिला, तो यार करेक्ट आंसर टी हो वैक्यूम ट्यूब। तो फास्ट जेनेसन कंप्यूटर रे वैक्यूम ट्यूब रो यूज होतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन डेस्क। तेबे केउ जेनेसन समय रे कंप्यूटर रो साइज बहुत बड़ा थिला, तो यार करेक्ट आंसर टी हो फास्ट जेनेसन। तेज फास्ट जेनेसन कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा थिला, जहाँ द्वारा कि यह नेबा आणवे बहुत असुविधा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज बाय कंप्यूटर्स ड्यूरिंग फास्ट जेनेसन। तेज फास्ट जेनेसन कंप्यूटर केव लैंग्वेज रूज होता,
तो यार करेक्ट आंसर टी हो मेसीन लांगुएज। तेज फास्ट जेनेसन कंप्यूटर में मेसीन लांगुएज्र यूज करके आईपरि सेकेंड जेनेसन क्यों लांगुएज यूज होता तो सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर में एसेम्बली लांगुएज्र यूज होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पीरियड ऑफ सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्ट फ्रॉम डेस। तबे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर रा पीरियड केतिरु केते पर्यंत तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो 1956 टू 1963। तबे फर्स्ट जेनरेशन रा टाइम पीरियड होची 1956 टू 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेकंड जेनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विथ डेस्क। तबे फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर रे जहाँकि वैक्यूम ट्यूब्र यूज करा जाउथिला एवं सेही समय रे कंप्यूटर रा साइज मध्य बहुत बड़ा थिला किंतु सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर रे कंप्यूटर रा साइज टी डिक्रीज होइथिला एवं सेही समय रे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करा जाइथिला। तो ही वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करा जाई कौन यूज करगला तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ट्रांजिस्टर। तबे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर रे ट्रांजिस्टर रा यूज होतिला आ फर्स्ट जेनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब रा यूज करा जाउथिला आ सेपरी थर्ड जेनरेशन रे कोन यूज होतिला तो थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर रे आईसीएस रा यूज होतिला। ओके आ फोर्थ जेनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर तो मन रहिला तो फर्स्ट जेनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब सेकंड जेनरेशन रे ट्रांजिस्टर थर्ड जेनरेशन रे आईसीएस माने इंटीग्रेटेड सर्किट आ फोर्थ जेनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर रो यूज होतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर आर डेस्क। तेबे ए मनंक मध्यरु केउटा होची सेकंड जेनरेशन रो कंप्यूटर तो आईबीएम 7094 सीरीज एहा मध्य होची सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर। तापर आईबीएम 1400 सीरीज एहा होची गोटे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर। सीडीएस 164 एहा मध्य होची गोटे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर तेडु एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑल तो ए समस्त होची गोटे गोटे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर। तबे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर विषय रे कोटा ठीक नुहे माने भूल अटे तो ऑप्शन ए रे देखंतु दे वेर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर अनुसार सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर टी टिके स्मॉल थिला तो यह करेक्ट अछि कारण फर्स्ट जेनरेशन रे बहुत बड़ा साइज थिला। तापर नेक्स्ट देखंतु दे प्रोवाइड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड तो सेगुड़िक बहुत स्पीड आउ खूब शीघ्र कैलकुलेशन कर पारुथिला तो यह मध्य करेक्ट अछि। तापर ऑप्शन सी रे देछि दे वेर यूज मोर एनर्जी एंड बिकम हीटेड तो सेगुड़िक अधिक एनर्जी यूज करुथिला आउ हीट हो जाउथिला यह नेगेटिव अछि तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन सी तो दे वेर यूज मोर एनर्जी एंड बिकम हीटेड तो यह सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर विषय रे करेक्ट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लैंग्वेज इज यूज बाय द सेकंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तबे सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर रे क्यों लैंग्वेज रो यूज होतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर रे असेंबली लैंग्वेज रो यूज होतिला आ फर्स्ट जेनरेशन रे मेसीन लैंग्वेज रो यूज करा जाउथिला। ओके आउ एही असेंबली लैंग्वेज एवं मेसीन लैंग्वेज यह हूँ गोटे गोटे लो लेवल लैंग्वेज।